जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। जो आपकी परीक्षा में पत्र पत्रिकाएं जो पूछी जाती हैं, पत्र पत्रिकाएं आप गलत करके आते हैं, लेकिन इसके बाद कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जो प्रमुख पत्रिकाएँ हैं जो आपके पेपर में आती हैं, चाहे वो आपका नेट एग्जाम का हो, PGT है ना, और टैट, LT ग्रेड, RPSC कोई भी एग्जाम का हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही और रामबाण है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे फनी फनी ट्रिक वीडियो दिए हैं दोस्तों, कि आप एक बार वीडियो देख के भूल जाना वीडियो को। आप जब पेपर में बैठेंगे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे, आपको वो क्वेश्चन याद आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। और सबसे पहले हमें पता है हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के में आपको सबसे पहले पढ़ना होता उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो कि दोस्तों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, साप्ताहिक था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और ये 1826 में दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। उदंत मार्तंड, उदंत क्या होता है? अपन बोलते ना यार कि किशोर लोग बहुत उदंड होते हैं। कैसे होते हैं? उदंड होते हैं, है ना। तो कौन होते हैं? किशोर होते हैं, तो किशोर से जुगल किशोर बनेंगे, और उदंड होते हैं तो उदंत मार्तंड, ठीक है। और किशोर दोस्तों मतलब जो 18 से 26 वर्ष के जो किशोर होते हैं वो उदंड होते हैं। तो 1826 में आपका जो समाचार पत्र निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, और इसके संपादक कौन होंगे? पंडित जुगल किशोर, ठीक है। क्योंकि उदंड होते हैं किशोर जो 18 से 26 वर्ष के होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक नंबर है वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगदूत के जो संपादक थे वो कौन थे? तो बंगदूत को इसको कैसे याद करोगे? इसके थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। और आपको पता है दोस्तों बंग से बनेगा बंग। हम बोलते थे ना कि यार उसने बंग निकाल दी। क्या निकाल दी? बंग निकाल दी। और आपको पता है दोस्तों कि बंग तो आदमी राजा में भी निकाल देता है, बंग तो राजा में भी निकाल देता है। राजा कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन बंग निकालने वाले बंग निकाल ही देते हैं। तो बंग से बनेगा आपका बंगदूत, और बंगदूत के जो संपादक होंगे राजा में निकाल देते हैं, तो राजा राम मोहन राय। और 1829 में ये पत्रिका निकली थी दोस्तों, तो ठीक है। आपको याद क्या रखना है? 1826 में उदंत मार्तंड, 1829 में बंगदूत, राजा राम मोहन राय। और बंग तो लोग राजा में भी निकाल देते हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय, ठीक है। तीसरा है दोस्तों बनारस अखबार, ठीक है। और इसके जो संपादक हैं वो कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसका प्रकाशन हुआ था 1845 में। दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे? आपको पता है आप बनारस जाओगे, बनारस जब भी आप जाओगे आप शिव जी के मंदिर जरूर जाओगे। गंगा के घाट के वहाँ पर आपको शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो बनारस अखबार के जो संपादक होंगे शिव जी के, उस शिव जी के मंदिर जाओगे तो शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके कौन होंगे? संपादक होंगे, ठीक है। क्योंकि जब बनारस का नाम आता है तो आदमी के माइंड में आ जाता है कि वहाँ शिव जी का मंदिर है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बनारस अखबार का नाम आया, और आपको याद आना चाहिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1845, ठीक है। इनको सितारे हिंद की पदवी दी गई थी, और इन्होंने बनारस अखबार निकाला था 1845 में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सुधाकर। सुधाकर के जो संपादक हैं वो बाबू तारा मोहन मित्र हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा आपको सुधाकर, आप पढ़ो सुधाकर या फिर सुधाकर। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक जो आकाश में तारे निकलते ना, तारा, एक तारा 50 वर्षों से खराब है, उसे हमें क्या करना है? सुधार कराना है। कितने वर्षों से खराब है? 50 वर्षों से। तो 1850 इसका प्रकाशन काल होगा, ठीक है। सुधार कराना है दोस्तों क्या? तारा। तो बाबू तारा मोहन मित्र सुधार कर, तो सुधाकर पत्र के क्या होंगे? संपादक होंगे, ठीक है। अब सीधा से याद रख लेना है, सुधार कराना है। मैं बोले सुधार कराना है क्या, वो सर बोले आप तारा, हाँ तारा तो मैं सुधार आऊँगा, है ना, क्योंकि वो 50 वर्षों से खराब पड़ा है, ठीक है। तो बाबू तारा मोहन मित्र इस प्रकार से याद रखना है। आपका टेस्ट भी होगा दोस्तों, अभी आपको बताना पड़ेगा, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ना और याद भी कर लेना। बुद्धि प्रकाश के जो संपादक थे दोस्तों वो कौन थे? सदा सुखलाल। अब इसको कैसे याद रखोगे? सदा सुखलाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ
कि जिनमें बुद्धि होती है वो सदा सुख रहते हैं, उनको सदा सुख ही रहते हैं, वो सुख के लाल हो जाते हैं, है ना। तो जिनके पास बुद्धि है वो सुखी रहते हैं, सुख लाल रहते हैं, सुख के लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो सदा सुखलाल आपका सही होगा, और 1852 में दोस्तों आगरा से प्रकाशित हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब मैं पूछूंगा बुद्धि प्रकाश, जी हाँ सर, जिनमें बुद्धि रहती है वो सुखी रहते हैं, मतलब सुखलाल, ठीक है, याद रख लेना, सुखी रहते हैं तो सुखलाल। ऐसे समाचार सुधावर्षण दोस्तों ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन हुआ था 1854 में, किसका, समाचार सुधावर्षण का, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि जब आप समाचार पत्र लेते हो तो सुंदर सुंदर समाचार देखते हो, बोले सुंदर सुंदर समाचार जहाँ देख रहे हैं, है ना, वही आप जल्दी देखते हो। तो समाचार कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और दोस्तों समाचार सदावर्षण के जो संपादक होंगे वो कौन होंगे, सुंदर से श्याम सुंदर सेन, 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है, याद रखना है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंत मारतंड, ठीक है। प्रजा हितैषी के जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह, कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। और दोस्तों जो राजा लक्ष्मण थे वो क्या थे, प्रजा हितैषी, अधिकांश राजा आपने देखा होगा प्रजा हितैषी ही होते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी को राजा बना दिया जाता तो वो भी क्या होते, प्रजा हितैषी होते, ठीक है, प्रजा हितैषी। 1855 में आगरा, है ना, बचपन से लेके 55 तक की जनता की क्या करेंगे, वो प्रजा का हित करेंगे, प्रजा हितैषी होंगे, ठीक है। तो याद रख लेना, मैं पूछूंगा प्रजा हितैषी, जी हाँ सर, राजा लक्ष्मण बहुत प्रजा हितैषी थे, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, दोस्तों एक चीज बताना, आप हमसे बोलते हो सर नवीन नवीन ज्ञान प्रदान किया करो, नवीन नवीन ज्ञान प्रदान किया करो, तो मैं भी नवीन नवीन ट्रिक निकाल के आपको देता हूँ, है ना। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका यानी कि ज्ञान प्रदान किया करो, कैसा, नवीन नवीन, तो नवीन चंद्र राय, है ना, 1866 और लाहौर से प्रकाशित हुई थी। तो याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे आप, बोले ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, जी मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ नवीन नवीन, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों कवि बचन सुधा, कवि बचन सुधा ये भारतेंदु जी की पत्रिका थी दोस्तों, और 1868 में ये बनारस से निकली थी। और कवि बचन सुधा, आपसे पूछा जाएगा कि कवि बचन सुधा के संपादक कौन थे, तो आपको सिर्फ इतना रखना है कि भारत के कवि के जो बचन होते हैं वो बिल्कुल सुधा के जैसे होते हैं, अमृत के जैसे होते हैं, ना, भारत के कवियों के बचन सुधा जैसे होते हैं, तो भारत के बनेगा आपका भारतेंदु, और कवि बचन से कवि बचन सुधा पत्रिका बन जाएगी, जिसका प्रकाशन हुआ 1868 में बनारस से, ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। अल्मोड़ा समाचार दोस्तों, अल्मोड़ा, और या एक बात मैं बता दूं, बुंदेलखंडी भाषा शायद आपने सुनी होगी, पुत्र को बोला जाता है मोड़ा, क्या बोला जाता है, यार तुम्हारा मोड़ा बहुत अच्छा है, मोड़ा। और मोड़ा को हर व्यक्ति क्या करना, अपने अपने मोड़ा को क्या देखता है, सदा आनंद में देखना चाहता है, कैसा, सदा आनंद में देखना चाहते हैं सभी अपने अपने मोड़ा को, ठीक है, सदा आनंद। तो अल्मोड़ा समाचार के संपादक होंगे सदा आनंद सलवास, ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा से निकली थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हिंदी प्रदीप को कैसे याद रखना है, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, कैसे, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। और दोस्तों इलाहाबाद में ये क्या करने गए थे, साथ साथ लेके गए थे, इलाहाबाद साथ साथ लेके गए थे, तो 1877 में प्रकाशित हुआ, और इलाहाबाद लेके गए थे तो इलाहाबाद से निकला था, कौन, हिंदी प्रदीप। कई बार पूछा गया है, अब इतना बस याद रखना है कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। भारतेंदु जो आपने देखा होगा दोस्तों, भारतेंदु काल के, भारतेंदु मंडल के सबसे श्रेष्ठ और सबसे क्या कहें, वरिष्ठ कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। 1844 में इनका जन्म हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी का, और हिंदी प्रदीप इन्होंने निकाला था 1877 में। मित्रविलास देखें दोस्तों, मित्रविलास, और आपने देखी होगी दोस्तों कृष्ण लीला सभी ने देखी है, जो मित्र होते थे किसके होते थे, बहुत सारे मित्र कन्हैया जी के, अपने मित्रों को माखन चुरा चुरा के ले जाते थे, है ना। तो मित्रविलास के रचनाकार कौन होंगे, कन्हैया लाल, क्योंकि कन्हैया जी के बहुत सारे मित्र थे, और 1877 में ये कहाँ से निकला, लाहौर से, ठीक है। मैं पूछूंगा मित्रविलास, जी हाँ दोस्तों, मित्र
आप बोलोगे सर मित्र मित्र विलास, मित्र तो कन्हैया जी के होते थे, तो कन्हैया लाल, ठीक है। ब्राह्मण की बताना, ब्राह्मण, ब्राह्मण आपने देखा होगा दोस्तों कि सदियों से देखते आ रहे हैं समाज में ब्राह्मण का बहुत प्रताप है, पूजन पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, है ना। तो ब्राह्मण का क्या है, प्रताप है। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन होंगे, प्रताप नारायण मिश्र, 1883 कानपुर, ठीक है, कानपुर। और जब ब्राह्मण पूजन उजन करवाते, कान पकड़ के बोलते बेटा ऐसा नहीं करना है, है ना, पूजन करवाते हैं भगवान की पूजन करो, तो कान पकड़ के, तो कानपुर, ठीक है। आनंद कादंबनी की रचयिता के संपादक कौन है दोस्तों, आनंद कादंबनी, तो इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के कवि थे दोस्तों। और आपने देखा होगा कि भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे वो क्या थे, वो दोस्तों किसी ना किसी पत्र के संपादक जरूर थे, किसी ना किसी पत्र से जुड़े जरूर थे, है ना। और आनंद कादंबनी, और आपको पता है दोस्तों कि जो प्रेमघन है, प्रेमघन, आनंद आ जाता है क्या, जब अगर प्रेम के घन छा जाएं, प्रेम के बादल छा जाएं, तो आनंद आ जाता है, सभी को आनंद आ जाता ना। तो आनंद कादंबनी के आपके संपादक होंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों शुभचिंतक, शुभचिंतक आपको पता है इसके संपादक थे सीताराम, और ये 1883 से जबलपुर से निकला था शुभचिंतक, है ना, है ना, जहाँ का मैं हूँ जबलपुर का, वहीं से निकला था ये शुभचिंतक। और जबलपुर के लोग दोस्तों बहुत शुभचिंतक हैं, किसके, सीताराम के, जबलपुर के ही नहीं पूरे विश्व के, है ना, लोग शुभचिंतक हैं सीताराम के, ठीक है। तो शुभचिंतक किसके हैं, सीताराम के हैं, 1883 में जबलपुर से निकला था दोस्तों। मैंने आपको जहाँ जहाँ जो ट्रिक निकली वो बताने का प्रयास किया, याद करवाने का प्रयास किया, है ना। अब आपकी बारी है, आपको देना है टेस्ट, आपका होगा टेस्ट, अब आपको बताना है अगर आपने पढ़ा है, आपको याद हुआ है, तो आपके पूरे के पूरे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताना है 2 सेकंड में हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। 4 विकल्प हैं हमारे सामने दोस्तों। हमने याद किया था कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, कैसे, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे बाल भरत गए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बनाना आपसे कि नहीं, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों शुभचिंतक के संपादक कौन थे, है ना, बोले सर मैं तो शुभचिंतक हूँ, किसका, सीताराम का, तो शुभचिंतक के संपादक कौन होंगे, कौन होंगे, सीताराम, ठीक है, कौन होंगे, सीताराम। और सीताराम दोस्तों जो इन्होंने निकाला था शुभचिंतक, वो कहाँ से निकाला था, जबलपुर से, ठीक है, याद रख लेना, जबलपुर MP से। अगला बताना बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रिक भी आपको याद करते जाना है, क्या ट्रिक बताई थी, कि जिनके पास बुद्धि रहती है वो सदा सुख, है ना, उन्हें सदा सुख मिलता है और वो सुख के लाल बन जाते हैं। तो बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे, सदा सुखलाल, है ना, याद रख लेना, तो याद सदा सुखी लाल कर दो या सदा सुखलाल, बुद्धि प्रकाश, ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे, आपको फटाक से बताना है, क्योंकि ट्रिक ही मैंने ऐसी बताई है आपको, सिर्फ 2 सेकंड की, शब्द को देखो, क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ, ठीक है। तो आनंद कादंबनी के जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब प्रेम के घन छा जाएं, प्रेम के बादल छा जाएं, तो आनंद आ जाता है। तो आनंद कादंबनी के कौन होंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आपसे बन रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी वो भी आपको कमेंट में लिखना है, और आपको बताना है उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। 4 विकल्प हैं आपके सामने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जुगल किशोर, सीताराम, या फिर श्याम सुंदर सेन, आपको बताना है दोस्तों। उदंड कौन होते हैं, उदंड कौन होते हैं, किशोर लोग, है ना, किशोर लोग कैसे होते हैं, उदंड होते हैं, तो उदंत मार्तंड के संपादक कौन होंगे, जुगल किशोर, जुगल किशोर यानी कि किशोर। और 1826 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता से, ठीक है, जुगल किशोर इसके संपादक थे और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना। अगला बताना ब्राह्मण के संपादक कौन थे, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाएंगे जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में किसका प्रताप है, किसका प्रताप है, ब्राह्मण का प्रताप है, ब्राह्मणों का प्रताप है, है ना। तो ब्राह्मण के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, याद रखना, है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
कबी बच्चन सुधा के संपादक कौन थे दोस्तों? कबी बच्चन सुधा के संपादक, तो मैंने आपसे बोला था कि भारत के कवि के जो वचन होते हैं वो बिल्कुल सुधा के समान होते हैं, सुधा के जैसे होते हैं, अमृत के समान होते हैं। तो कबी बच्चन सुधा के जो संपादक थे वो कौन थे, कौन थे, है ना? बोले भारत के होते हैं तो भारत से बनेगा सर, भारतेंदु, है ना? और भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग का नाम डला, है ना? और दोस्तों ये श्रेष्ठ थे भारतेंदु मंडल के, 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि 35 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कबी बच्चन सुधा का संपादन भी किया था, और भी पत्रिकाएं हैं इनकी, मैं आपको याद करवाऊंगा। अगला बताना है समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो समाचार सुधा वर्षण है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, 1854 में ये प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों आप कैसे समाचार सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, जो सुंदर हों, यानी कि समाचार कैसे होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन होंगे, श्याम सुंदर सेन, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। आप देखो मैंने कई बार आपको बता दिया है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र आप कभी नहीं भूलोगे, और वो था कौन सा, समाचार सुधा वर्षण, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था तो आपको बताना है दोस्तों, और साप्ताहिक की बात आई है तो साप्ताहिक कौन था, उदंड मारतंड, है ना, उदंड मारतंड, क्योंकि सप्ताह में किशोर लोग उदंड मचाते हैं, सप्ताह में किशोर लोग उदंड मचाते हैं, तो उदंत मारतंड 1826 में दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था, किशोर से जुगल किशोर द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, संपादक थे मतलब, ठीक है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र तो आपने बता दिया दोस्तों, अब आपको बताना है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, ज्ञान प्रदायिनी, है ना। मैंने अभी बताया था कि आप बोलते हो सर नवीन नवीन ज्ञान प्रदान किया करो, नवीन नवीन ज्ञान प्रदान किया करो, और आप भी किया करो, है ना, नवीन नवीन ज्ञान किसी को भी दे रहे हो, नवीन नवीन ज्ञान प्रदान किया करो। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, नवीन चंद्र राय, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला है दोस्तों बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, सदा सुखलाल, नवीन चंद्र राय, या फिर श्याम सुंदर सेन। बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे, चार विकल्प हैं, दो सेकंड भी आपको पता है दिया जाता है, और मैंने बताया था कि जिसके पास बुद्धि है वो सदा क्या रहेगा, सुखी रहेगा, तो सुखलाल, है ना, हमने पढ़ भी लिया है। उदंत मारतंड कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो जल्दी से बताएं, मैं कई बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो उदंत मारतंड था हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, या फिर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1826 में, है ना, 1826 में कलकत्ता से हुआ था। और अगला है दोस्तों सुधाकर, सुधाकर के संपादक कौन थे, तो मैंने बताया था कि आकाश में एक तारा क्या हो गया है, खराब हो गया है, उसे हमें क्या करना है, सुधार कर आना है, सुधार कर आना है क्या, तारा, तो बाबू तारा मोहन जी जो थे वो सुधाकर के संपादक थे, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो है प्रजा हितैषी पत्र कब प्रकाशित हुआ, ये चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है, और आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का था दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि जो राजा लक्ष्मण थे, है ना, राजा लक्ष्मण थे वो प्रजा का हित करते थे, चाहे बचपन से लेकर पचपन तक, बचपन से लेकर पचपन तक सारी प्रजा का हित करते थे, कौन, राजा लक्ष्मण सिंह, और प्रजा हितैषी इनके द्वारा संपादित किया गया। और दोस्तों बचपन तक यानी कि 1855, उदंत मारतंड 1826, है ना, समाचार सुधा वर्षण 1854, और बंगदूत पत्रिका जो थी राजा राम मोहन राय की 1829 में ये प्रकाशित हुई थी। इतने सारे समाचार पत्र थे दोस्तों जिनके सन भी आपको याद हुए होंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें भी आपको याद हुई हैं, याद हुई हैं कि नहीं हुई हैं, सभी लोग बताएंगे। और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने वो ही क्वेश्चन रहा, मिट्टी की बारात, मिट्टी की वारात जो है ये रचना किसकी है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है,
और इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये रचना किसकी है कमेंट में आपको लिखना है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, एक ऑप्शन है आपका शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ निराला, ठीक है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, चार में से आपको कमेंट में लिखना है। चैलेंज प्रश्न है, आपको ज़रूर बताना है ना, मिट्टी की बारात के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये चीज़ भी आपको खोजनी है। ये रचना किसकी है ये भी कमेंट में लिखना है, और इसके बारे में कितना आप जानते हो वो भी लिखना है, और ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में आप क्या जानते हो वो भी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लिख पाते हो उतना ज़्यादा आपको याद हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी आपको, और कितने समाचार पत्र आपको याद हुए, किसके सन हुए, वो सारी चीज़ आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। और इसके पहले के बहुत सारे ट्रिकी वीडियो आपको ज़रूर देखना है। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम में दोस्तों आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। और जो भी साथी व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर है 9098986092 91, ये व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।